नगर निगम मुरादाबाद में कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव कमेटी का एवं भारतीय वाल्मीकि समाज द्वारा हवन यज्ञ किया गया। हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। हवन में श्रद्धालुओं ने भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान किया, साथ ही भक्तों ने भगवान वाल्मीकि के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण को वाल्मीकि में कर दिया। हवन एवं भंडारे में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने भी परमपिता परमात्मा वाल्मीकि भगवान के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे तथा उन्होंने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर समाज को कृतार्थ किया। हवन में भावादस के कार्यकर्ताओं ने एवं प्रकट उत्सव कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हवन में सामूहिक रूप से आहुति दी। इस मौके पर वाल्मीकि धर्म समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने भंडारे एवं हवन में भाग लिया। यहाँ क्या कार्यक्रम कराया जा रहा है आज? सब प्रथम तो जो वाल्मीकि तीर्थ है, वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी से लेके आए थे जल का उसका पूरा तमाम देखो प्रकाशदर्शी कंजी स्नान से 140 लेडीसों ने कलश यात्रा निकाली और वो यहाँ लाकर आपके सामने कलश रखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ अर्पण करे। सभी समाज प्रेमियों से, धर्म प्रेमियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि के बारे में जानना चाहिए, वाल्मीकि के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही राम को भगवान बनाने वाले वाल्मीकि जी हैं। और जिसको आप आगे नाम लगाते हैं वाल्मीकि, उसके बारे में जरूर जानकारी।